अस्सलामुअलैकुम सर। चेकर मॉडिफाइड स्पीकर भाई, ये वो कट्टा भी आया, उसके आगे पीछे जा रहा है। तो भाई जो हम आप लोगों को दरिया दिखा रहे थे वो है दरियाए झेलम, मतलब चुनाव। अस्सलाम वालेकुम जी, फाइनली वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आपका भाई रेडी हो चुका है। आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग, हाँ लास्ट से लास्ट व्लॉग देखा होगा भाई। अपने दोस्त की शादी है मियाँ वाली, हम लोगों ने जाना है और आपका भाई इस टाइम रेडी हो गया। जुम्मे का दिन है और आप कितने पास वक्त क्या हुआ, तकरीबन भाई 12 बजने में 5 मिनट रह गए। जिस दोस्त के हम घर गए थे भाई उसका इंतजार कर रहे हैं, उसने में आना, फिर हम लोगों ने यहाँ से इकट्ठे निकलना है। ये अपना सामान है, अपना बैग शैग हम लोगों ने पैक कर लिया, मतलब 2-3 दिन के कपड़े हैं, बड़ा लंबा टूर होने वाला है। उसके बाद इस बैग को आप लोग जानते हो छोटा बैग है, ये हर जगह मेरे साथ साथ होता है। सारी चीज़ें रख ली हैं, फटाफट से अपना उतारते हैं। चार्जर ये चार्जर भाई इसको डालते हैं इस बैग के अंदर। उसके अलावा भाई ये अपना फ़ोन है, ये आपको पता है अपना छोटा सा फ़ोन अपने हर टाइम साथ साथ होता है, इसको हम लेकर जाएंगे अपने साथ। एनीवेज वीडियो शुरू हो गया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स में आप लोगों ने जरूर करना है भाई। तो बस दोस्त का इंतजार है, मैं जा रहा हूँ, हमजा जा रहा है और दूसरा हमजा जा रहा है। तो भाई होप सो आपको मियाँ वाली की सैर कराएंगे, रास्ते में शुगल मेला कराएंगे जो भी हो सका, और भाई पूरी कोशिश करेंगे कि ये मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ इस तरह व्लॉग बनाने में। तो भाई उसका इंतजार करते हैं भाई, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई दादा यार ये आप लोगों का भाई ने न्यू शर्ट लिया, अगर आप चेक करके बताओ कैसी लग रही है ये आपको भाई के शीशे में लुक शुक है। 1x करते हैं इस पर, देखते हैं, ये चेक करो भाई। तो ये आपके भाई ने शर्ट शूट ले लिया, नहीं वो भी भाई जाने के लिए लाए थे, सूट शूट सारे रख लिए। और भाई आप लोगों को महक मलिक के शुगर मेले दिखाने हैं भाई, आप लोगों ने सारे व्लॉग इंशाल्लाह जरूर देखने हैं। मजे आए। अस्सलामु अलैकुम सर। सर क्या हाल है, ठीक हो भाई? चले सामान तो लोड करा दे थोड़ा सा, अकेले आना डाला थोड़ा भाई। दोस्त अपना आ चुका है तो अभी सामान रखते हैं अपनी गाड़ी के अंदर और भाई निकलते हैं। और आगे करो यार इसको, और आगे करो। सामान कहाँ रखना है, पीछे सीटों पे? मैंने सीट पर रखा। तूने क्या सामान रखा, टैची केस है कि दूसरे? मेरा बिजनेस है, सामान है मेरा, लैपटॉप भी है मेरा, अपना सामान है दूसरा, और दूसरा बैग है। कौन सा यार? स्कूल बैग। स्कूल बैग नहीं, कैटदा है सारे कपड़े। स्कूल बैग ही हो गया, ठीक है भाई। कमेंट में बताओ ये स्कूल बैग है या दूसरा बैग है भाई। दोस्त आ गया, बैग शैग रखो गाड़ी के अंदर, अच्छा पापा जी ओके भाई, चंगा ओके सर। चलो ड्राइवर चलें, चलो टाइम हो गया तकरीबन पूरे 1 बजे का टाइम है और इस टाइम अभी हम लोग निकले हैं और कनाल रोड के ऊपर है भाई। तो सुबह कितने बजे का उठा हुआ? 7:30 का। रात को सोया कितने बजे था? 12:30 सो गया था, पक्की बात। तो भाई ये रश लगा हुआ है, तो फर्स्ट टाइम जाना मियाँ वाली, ये भाई ये भी पहली दफ़ा ही जा रहा है क्योंकि मियाँ वाली हम लोग कभी नहीं गए। तो यार कहाँ से जाना, क्या आइडिया देखा मैप मूव से, रास्ता आइडिया कोई? मोटरवे से उतरना है सालम। यार उच्ची बोल रहा थोड़ी सी, से उतर के सर बलवाल, बलवाल से खुशाब, खुशाब से सीधा। नहीं बलवाल से सीधा जाता है मतलब खुशाब का रास्ता, खुशाब सीधा मतलब सरगोधा मोटरवे से नहीं उतरना? नहीं सरगोधा, चलो वो जीटी रोड है सर। सही है, तो खुशाब से आगे जीटी रोड ही होना है, देखेंगे। तो यार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है मतलब, इसलिए हम लोग टाइम से निकले हैं कि 1 बजे हम लोग निकले हैं। तकरीबन मोटर पर जाते हुए 10-15 मिनट और लगेंगे क्योंकि जो ट्रैफिक है सारी ये कनाल रोड की आगे साइया वाले सारा सुकून होना है। तो इंशाल्लाह आपको सारी अपडेट देंगे और हो सका भाई पॉसिबल अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे भाई। अगर ये साथ देगा ये वाला और ये वाला, इधर भाई इन दोनों का नाम सेम है कोई पता नहीं, नहीं तो पूरे रास्ते आपको भाई किला बातें करेगा आपसे। तो वीडियो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है भाई। वैसे हम जरा बड़े अरसे बाद जा रहे हैं, यार लास्ट टाइम किधर गए थे हम, याद है? लाहौर कब गए थे? मेरे नाल गया सी, सेमी को छोड़ रहे नहीं, सेमी को छोड़ने के बाद वो ताया आपको लेने तरसा हो गया, उस तो बात ही नहीं की।
मतलब यार हमें तकरीबन आपको बताता हूँ दो तीन साल होने वाले तीन चार साल होने वाले हम लोगों ने इकट्ठे ट्रैवल नहीं किया क्योंकि भाई की रूटीन और होती है, वो सारा दिन बेचारा फैक्ट्री में लोगों फिरता है, हम दुकान में बैठे होते हैं। तो बस ये सिलसिला है भाई, तो निकलते हैं यहाँ से फिर आपको मिलते हैं भाई रास्ते के अंदर। भाई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस टाइम जो मोटर वे है वो सारी बंद है क्योंकि अपने जो हालात है ना मुल्की समझ नहीं आ रहे, ये जितने ट्राले लगे ना सारे मोटर वे के साथ उन्होंने बंद किए हुए हैं। अब हम लोग ये रोड सीधा जा रहे हैं चनोट, मतलब चनोट सरगोधा कुशाब उस रोड से जाना पड़ेगा मियाँ वाली की तरफ हमें। तो भाई रास्ते बंद है, सोचा कुछ और था कि मोटर वे का सफर आधा हम सुकून से कर लेंगे बाकी फिर इस रोड से जाएंगे, लेकिन जो अल्लाह का मंजूर भाई इसमें बेहतरी होगी। चलिए इस रोड से तो भाई बाकी अभी और दूसरा मसला क्या है भाई, नेट भी बंद है फैसलाबाद के अंदर, इंटरनेट सर्विस नहीं चल रही, मतलब मैप मूप लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। फैसलाबाद से बाहर निकलेंगे तो होप से हमारा नेट वगैरह चलेगा। Few moments later. भाई ये हम लोग आ चुके हैं चनोट, ये है तहसील जो इसका, ये देखें ये जो ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ सब हम लोगों ने जाना सरगोधा, अगर फैसलाबाद से हम इस साइड से आते हैं ना तो सीधा जाते हैं, लेकिन हमने जो नया रास्ता देखा है अगर आप साइया वाला खत्म करते हो ना एंड पे, तो जहाँ मोटर वे से आप लोगों ने राइट मुड़ना होता है वहां से अगर आप सीधा निकलो तो भाई चनोट का रोड है, और हमें तकरीबन 30 मिनट लगे हैं चनोट आने में यहाँ से। और अब ये रोड सीधा भाई हम जा रहे हैं सरगोधा, वैसे जाना हमने मोटर वे से था लेकिन अफसोस भाई मोटर वे बंद थी, तो अब यहाँ से हम जीटी रोड से जाएंगे इंशाल्लाह। और अब चनोट सरगोधा आपको मैं सारे सिटी दिखाता जाऊंगा जो रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं सारा। तो ये अभी हम चनोट भाई क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, देखो डीएच के हॉस्पिटल चनोट है, इस टाइम चनोट से हम गुजर रहे हैं। चेक करो सामने आ गई चनोट की पहाड़ी, वाह सीन चेक कर। क्या ब्रिज उच्ची बोली आ रही मेहरबानी, ब्रिज इस पे ट्रेन जाती है अभी भी, ये वाला अंग्रेजों के दौर का नक्शा, लेकिन अभी भी कामयाब है। भाई जान सलाम अलैकुम, यार खुशाब जाना है सीधे ही जाएंगे यहाँ से भाई, पुल से आगे ये सीधा कहाँ जाता है? हेलो अच्छा वहाँ से जाना है, हाँ जी उधर से जाना है भाई। एनी हो भाई अगर कोई सरगोधा से व्लॉग देख रहा है तो भाई आप सबको आपके भाई का सलाम। तो भाई अब सरगोधा क्रॉस करेंगे उसके बाद खुशाब जाएंगे, वहाँ से भाई हम लोग खाना पीना है, मतलब भूख लग रही है, टाइम हो गया तकरीबन 2:30 बजे का, होप सो 3:15 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, 30-35-40 मिनट लगते हैं यहाँ से। भाई ये देखो सरगोधे का मेन किन्नू, ये सरगोधा अच्छा भाई मजे का, मतलब कि साफ सुथरा शहर है ये भाई, सरगोधे की सड़कों पे घूम रहे हैं हम, ये देखो सारे आप। In 600 meters at the roundabout, take the second exit onto flyover Sargodar Road. सुन लिया भाई सरगोधे ही यहाँ से, बात तो सही है। रुके हैं 3 बजे सरगोधे से हम आगे आए हैं, 3 बज गए, ये मेहमान सराय होटल है ये वाला, तो यहाँ से भी खाना शाना खाते हैं, देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या होता है। चलो भाई हमने फोन करके स्पेशल ना ये बुकिंग करवाई हुई थी यहाँ पे, ये चेक करो। तो भाई ये कुशाब और सरगोधे के दरमियान में है मेहमान सराय, मतलब बड़ा फेमस है, जो लोग सरगोधे से उनका पता होगा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से भाई अभी खाना शाना खाते हैं ऑर्डर करते हैं, वरना बैटरी लो ही पड़ी है भाई, भूख फुल लगी है। तो भाई हम लोग इधर आ चुके हैं, मतलब कि ना मेहमान सराय ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया, ये अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, ये हमजा साहब हैं, ये सारा होटल है। और मज़े की बात क्या है भाई, ये गाड़ी जो है ना इसके अंदर अभी ओनर आए हैं, उन्होंने भाई हमें कहा आपने खाना कैसा लगा, हमने कहा यार अभी तो ऑर्डर किया, कहते यार इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब काफ़ी कॉरपोरेटिव और अच्छे लोग हैं। तो ये मेहमान सराय भाई इसका सारा सीन शीन है, तो भाई चलते हैं अंदर सुकून से बैठते हैं, और धूप छुप अपनी जो है काफ़ी तेज़ होगी, आ जाओ भाई और बनाई तस्वीरें बना दूँ मैं। नहीं नहीं मेहरबानी। तो यार ये सारा मतलब कि ना बड़ा ही मतलब कि अच्छा एनवायरनमेंट है, तो इधर अंदर बैठते हैं सुकून से, अपना ऑर्डर शोडर है तकरीबन आधा घंटा
35-40 मिनट में लगेंगे। और ये देखो भाई, ये बेचारा ना उसकी तबीयत खराब हुई पड़ी है, ये लेटा हुआ यहाँ पे। सही है, सही है। की हुआ मसला भाई? कोई नहीं, कोई मसला। तबीयत सही है? रेस्ट कर, पक्की बात है, पक्की बात। चलो खाना आ रहा है भाई, वो उसका बीपी लो हो गया अक्सर, मुझे खुद भूख लगी हुई है, 3:15 हो गए। तो भाई जोर का टाइम है, वैसे भी 2 फर्ज पढ़ने सफ़र पर आए हैं, तो अपनी नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे जोर की, उसके बाद खाना शाना करते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। Few moments later. भाई पहले मलाई रोटी थी, अब अपने सामने है मटन फ्रेश, ये खा के देखते हैं भाई कैसा। तू मान लिया क्या मुझे, क्या पूरा पका है, क्या कितना रिव्यू किया बहुत अच्छा। खाना वगैरह स्कूल से खा ले, फिर आपको मिलते हैं, भूख बहुत लगी हुई है अभी। शुक्र अल्लाह भाई खाना खा लिया, बड़ा ही मज़ा आया खाना खा के। रिकमेंड करते हैं अगर आप सरगोधे आते हो, सरगोधा एंड होता है वहाँ पे, आप लोगों ने आशा कि क्या नाम मेहमान सराय से ज़रूर खाना खाना है, तो भाई चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा खा लिया तो भाई चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, इंशाल्लाह खुशाब चलते हैं वहाँ से, भाई चाय वगैरह पीते हैं, कुछ मीठा खाते हैं और भाई अपना सफ़र करते हैं स्टार्ट। तो भाई चलो निकले यहाँ से फटाफट, टाइम हो गया 4 का, 4 बज गया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो जी, चलो ड्राइवर, चलो चले, एनर्जी आ गई है, गाने छोड़ो तो चलो जान दो भाई। हेलो गोदे से खाना खाने के बाद शाहपुर सिटी क्रॉस करते हुए हम लोग ना खुशाब के अंदर एंटर होने लगे हैं। सामने बॉर्डर है, ये चेक करो, बॉर्डर नहीं मतलब कि भाई वो है बॉर्डर है, बॉर्डर ही है भाई, वो चेक कर रहे हैं। अभी आपको एक दरिया दिखाया है, इस दरिया के बारे में हम कन्फर्म नहीं है, दरिया दूसरी साइड जाती है, कलर कार से गुजरते हैं हम, दरिया चनाब है जो भी है, आइडिया नहीं है। और टाइम हो चुका है भाई, इस टाइम 4:30 का टाइम है, और ये भाई हम खुशाब के अंदर एंटर हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम भाई अपनी लाइफ के अंदर मैं खुशाब आया हूँ। तू आया पहले? पहले ये पहले आया खुशाब से, आके ये भी नहीं गया खुशाब, फर्स्ट टाइम आए हम। तो भाई इंशाल्लाह आपको खुशाब को थोड़े बहुत हाइलाइट्स दिखाते हैं, फिर हम लोग आगे निकलेंगे। तो भाई जो हम आप लोगों को दरिया दिखा रहे थे वो है दरियाए झेलम है, मतलब चनाब नहीं है, चनाब मेरे ख्याल से चनियोट वाला है, तो वो दरियाए झेलम है, ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है। 30 रुपये भाई टोल प्लाजा हमने यहाँ पे किया है। Few moments later. जी सर, तू कम कम हो सी कोई 3 किलोमीटर इन्हें किलोमीटर पीछे 3 ये बड़ा खतरनाक काम है, ये वो कट्टा गया है उस माँ के पीछे जा रहा है। इस्लामाबाद जाना पहले, टाइम हो चुका है तकरीबन 6 बजने वाले हैं,
हम लोग फैसलाबाद से, हमें आइडिया नहीं था इसलिए हमने ना वहाँ से कोई मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं लिया क्योंकि ना हमें रोड खराब हो जाए। तो जो मियाँ वाली इलाके की सबसे मशहूर है ना भाई अलजन्नत वाले, मतलब हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा भाई अलजन्नत वाले बेस्ट है, मतलब उनकी शॉप देखने में जैसे सिंपल गाँव की होती है लेकिन उनकी ज़्यादा गाहकी बहुत थी। तो ये भाई हमने मिठाई शाई लिया कि फ्रूट वगैरह लिया है, और थका तो नहीं बैठ गए भाई? और ये भाई ये देखो क्या क्या खा रहे हो भाई? नमक पारे। तो भाई ये हमने नमक पारे लिए हैं, हमने कहा सफर में थोड़ी सी क्रंचिंग करते खा के देखते हैं कैसे। नहीं वाकई भाई ताज़े ताज़े बने हुए हैं मज़े के। और जो भाई आपको जहाज चौक दिखाया उससे ये हंडोली वाला रोड है, ये वाला ये रोड से रहेगा पिपला में। तो भाई चलते हैं फटाफट उधर इंशाल्लाह, और आधे घंटे तक हम लोग पहुँचेंगे। जो मेरे अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं? फिर क्या चल रहा है? ये फोन तो नहीं किया, तेरे घर पहुंच गए? देख ले इतना इजी रास्ता है यार। गराज असली मेरी कंटस असली कराने हैं। कैमरा बंद कर दे। चलो तो शुक्र अल्लाह का भाई। कैसा है? और जनाब हिट आ जाओ। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दोस्त के घर, तो बहुत थकावट होगी यार, तो यहाँ पर होते हैं फ्रेश और इसी व्लॉग में यहाँ पर करते हैं एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना, और भाई नेक्स्ट व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, आप लोग थोड़ा सा सीन चेक कर लें। तो भाई आज होगी म्यूजिकल नाइट, तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।